उत्तरकाशी में सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। देर शाम सभी मजदूरों को एनडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला और इस दौरान सीएम धामी मौके पर मौजूद रहे। मजदूरों को माला पहनाई गई, उनका स्वागत किया गया और उसके बाद सभी मजदूरों को अस्पताल ले जाया गया जहां पर उनका प्राथमिक उपचार किया जाएगा। तो मजदूरों को उत्तराखंड सरकार की तरफ से 1-1 लाख की मदद भी दी जाएगी, इसका भी ऐलान किया गया है। साथ ही धामी सरकार ने कंपनी से अपील की है कि वो निकाले गए 41 मजदूरों को वेतन के साथ 10 से 15 दिनों की छुट्टी दे दें। इस दौरान आपको बता दें कि पीएम मोदी ने भी फोन पर मजदूरों से बातचीत की है। और इस खबर पर बात करते हैं, जिस अस्पताल में 41 मजदूरों को ले जाया गया है वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं सुरेंद्र डसीला। सुरेंद्र, आज मैं कह सकती हूं कि वाकई में गुड मॉर्निंग है क्योंकि सभी 41 मजदूर सकुशल बाहर आ चुके हैं। उनको प्राथमिक उपचार के लिए जिस अस्पताल में ले जाया गया वहां से आप रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या तस्वीरें हैं, कैसे हैं इनकी, कैसे हैं इनके हाल? बढ़िया बात है। बिल्कुल, देखिए निधि, तमाम मजदूर जो टनल से निकाले गए थे वो इसी चिन्याली सौण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाए गए थे। यहाँ तमाम मजदूर हैं। 41 मजदूरों के लिए जो स्पेशल वार्ड बनाया गया था उसमें ये तमाम मजदूर हैं। रात देर रात डॉक्टर्स की तमाम टीमें इनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया था और आज करीब 9 बजे के लगभग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ आएंगे। यहाँ आने के बाद इन मजदूरों से यहाँ मुलाकात कर सकते हैं क्योंकि टनल में कल जब ये बाहर निकले थे मुलाकात हुई थी लेकिन तब बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई थी क्योंकि बहुत एक ऐसे ट्रॉमा से ये लोग निकल रहे थे जिसमें 17 दिन इन्होंने गुजारे हैं। आज क्योंकि इलाज मिला है और बेहतर तरीके से नींद ये लोग ले पाए होंगे और उसके बाद अब मुख्यमंत्री इनसे मुलाकात करेंगे और फिर प्लान यही है कि चिनूक के ज़रिए इन तमाम जो 41 मजदूर हैं इनको ऋषिकेश एम्स भेजा जाए। चिनूक कल शाम ही पहुंच चुका था, पहले उम्मीद थी कि ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन उजाले में हो जाएगा तो शायद उसी समय इनको रेस्क्यू किया जाता, उसी समय इनको यहां से एयरलिफ्ट किया जाता, लेकिन अभी जिस तरीके की चीज़ें हैं उनको देख के लगता है कि करीब 10 बजे के बाद ही यहां से ये लोग तमाम लोगों को रवाना किया जाएगा क्योंकि डॉक्टर्स की टीम आएगी, एक बार फिर से इनके चेकअप होंगे और उसके बाद इनको यहां से रेफर करने से संबंधित जो कागजात हैं वो तैयार किए जाएंगे और फिर इनको पूरे प्रोसेसर के साथ ही यहां से एम्स के लिए भेजा जाएगा। एम्स में 41 प्राथमिक उपचार है वो दिया जा रहा है। सुरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा, अंजलि भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है और ग्राउंड जीरो से लगातार अंजलि हमें रिपोर्ट कर रही है और कल अंजलि ने हमें बेहद सुखद तस्वीरें दिखाई जब 41 मजदूर बाहर आए। अंजलि, इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है? हमने फोटो भी देखे, तमाम एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स के साथ जो वहां पर मंत्री पहुंचे हुए थे, फोटो सेशन हो रहा था कल, वहां पर दिवाली जैसा माहौल नजर आ रहा था। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं दिवाली के दिन ही ये हादसा हुआ था और उसके बाद कल दिवाली यहाँ पर ज़रूर मनाई गई। जो पास के गांव के लोग थे, जब एक बार रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ और एम्बुलेंस यहाँ से निकलने लगी तो उन्होंने पटाखे जलाने शुरू कर दिए, जयकारे लगाए गए यहाँ पर और टनल की आज की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बीते 17 दिन से जगह हम देख रहे हैं और आज 18वें दिन जो यहाँ की तस्वीर है वो बिल्कुल अलग है। अमूमन यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें दिखाई देती थी, वर्कर्स जो आते रेस्क्यू में लगे हुए थे वो यहाँ पर रोजाना दिखाई देते थे, दिन रात शिफ्ट में काम हो रहा था यहाँ पर, लेकिन आज पूरी तरह से शांति है। बाहर कुछ सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए हैं क्योंकि अब इस जगह को सील कर दिया गया है, यहाँ पर सिर्फ ऑथराइज्ड लोगों को ही प्रवेश करने की इजाजत है। पूरा ऑडिट किया जाएगा, जैसा कि नितिन गडकरी ने भी कहा था कि ये एक सीख है और देश भर में तमाम। बिल्कुल अंजलि, और बीते 17 दिन से जी न्यूज की भी एक बड़ी टीम लगातार ग्राउंड पर डिप्लॉयड थी, आप दिन रात ग्राउंड पर डिप्लॉयड थे, हर अपडेट जी न्यूज के दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। सुरेंद्र, आपका भी बहुत धन्यवाद। अंजलि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। Z News.